कृष्णगंज विकास समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय होली महोत्सव समिति सदस्यों द्वारा मनाया जा रहा है। रविवार को कृष्णगंज महेश्वरी छात्रावास खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। दोपहर में महिला वर्ग के कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 9 मार्च शाम को पूजा होली दहन और प्रसाद वितरण कृष्णगंज शिव मंदिर के सामने मुख्य सड़क पर किया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए समिति के संरक्षक राकेश डिडवाणिया ने बताया। किशनगंज आना सागर विकास समिति के तत्वाधान में ये हमारा 2020 सन 2019 होली महोत्सव यहाँ पर 3 दिवसीय होली महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से चल रहा है। आज इसका प्रथम दिवस का द्वितीय चरण अभी यहाँ पर चल रहा है। प्रथम दिवस के ऊपर हमने प्रथम चरण के अंदर यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारी सोच ये रहती है कि यहाँ 3-4 वर्ष के बालक से लेकर 80-90 वर्ष तक के हमारे बुजुर्ग महिलाएं, जेंट्स, पुरुष सभी वर्ग के यहाँ पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एक हमारा परिवार है। 180 हमारी यहाँ समिति के सदस्य परिवार हैं और लगभग 800 मेंबर हैं। हम लोग सामूहिक रूप से 3 दिवसीय होली मनाते हैं और यहाँ पर हमारे आज सुबह नन्हे मुन्ने बच्चों का, बालक का, बालिकाओं का और उसके साथ में सीनियर सिटीजन की चेयरस का यहाँ पर आयोजन हुआ। और अभी हमारे महिलाओं के समिति क्षेत्र की महिलाओं के, बालिकाओं के यहाँ पर कई प्रोग्राम, जैसे इसमें मेहंदी बनाओ प्रतियोगिता है और इसकी टोपी उसके सर पोज बनाओ है, चेयर रेस है और नंबर गेम यहाँ पर चल रहा है आयोजन। और कल 7:40 पर हम सभी सामूहिक रूप से होली दहन की पूजा 7:40 पर करेंगे। उसके बाद लगभग 8 बजे हमारा होली दहन यहाँ पर होगा। और परसों 10 तारीख को मंगलवार को प्रातः 8:30 पर माहेश्वरी छात्रावास के अंदर किशनगंज विकास समिति का होली स्नेह मिलन समारोह एवं जो हमारे जीतने वाले पार्टिसिपेट हैं 2 दिन के प्रोग्राम के, उन सभी को हमारे अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। और उसके अंदर हमारे यहाँ पर जो मेन वो है कि समिति क्षेत्र के बीच पुताबा महेश जादीश और स्वामी विवेकानंद का भी यह सम्मान किया जाएगा। समिति क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों का यह सम्मान किया जाएगा और बोर्ड की परीक्षा में 10th, 12th, BA, MA, CA और MBA में जो भी विद्यार्थी यहाँ पर 80% से ऊपर मार्क्स लाए हैं उनका भी हम यहाँ पर सम्मान करेंगे। ये हमारा एक परिवार है। हम लोग प्रतिवर्ष इसी तरह उत्साहपूर्वक सभी सबके सहयोग से यहाँ होली मनाते हैं यहाँ के ऊपर। और हमारे यहाँ पर जो अतिथि होंगे 10 तारीख को, वे अजमेर भारतीय जनता पार्टी के अजमेर उत्तर के विधायक आदरणीय श्री वासुदेव देवनानी, अजमेर नगर निगम के महापौर आदरणीय धर्मेंद्र जी गहलोत और प्रांत सेवा भारती श्री मोहन जी खंडेलवाल, हमारे क्षेत्रीय पार्षद धर्मेंद्र जी शर्मा और अजमेर के वरिष्ठ पत्रकार एवं ब्लॉगर श्री SP मित्तल साहब और राजस्थान सर ब्राह्मण महासभा के संभाग अध्यक्ष श्री कपिल जी व्यास। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड और देश की पूर्णता कोल्ड चेन पद्धति पर संचालित यूनिट द्वारा रंगों भरे त्योहार होली और शीतला सप्तमी के पावन पर्व पर सरस परिवार से जुड़े समस्त उपभोक्ताओं, दुग्ध उत्पादकों और शुभ चिंतकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आभार। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के शुद्ध और पौष्टिक उत्पाद पनीर, टोन और गोल्ड दूध, दही, देसी घी, नमकीन और मीठी छाछ और श्रीखंड अजमेर डेयरी बूथ और सरस पार्लर पर उपलब्ध है। शीघ्र ही अजमेर जिले के उपभोक्ताओं को अजमेर डेयरी द्वारा दुग्ध उत्पादकों की नई रेंज में सरस फ्लेवर मिल्क, आइसक्रीम, चॉकलेट, टेबल बटर, गाय का दूध और दुग्ध उत्पादक उपलब्ध कराए जाएंगे। अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी और अजमेर डेयरी प्रबंधक संचालक प्रदीप चतुर्वेदी की ओर से सभी शहरवासियों को होली की शुभकामनाएं।